चैनल तो आज मैं आपको बोलूंगा कि कैसे आप एस्पेल मना सकते हो सिर्फ 10 रुपया में। हाँ भाई, आप लोगों ने सही सुना, एस्पेल मना सकते हो सिर्फ 10 रुपया में। एस्पेल बनाने के लिए वीडियो को आगे देखते रहिए, और अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप एस्पेल बनाते हो और आपका एस्पेल ठीक से काम नहीं करता है तो नीचे कमेंट करना। तो गाइस चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आज हम लोग बनाएंगे एस्पेन। तो एस्पेन बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक सीजर चाहिए, दो पेंसिल। तो मैं इस पेंसिल से एस्पेन बनाऊंगा, और आप जो पेंसिल से एस्पेन बनाओगे तो उसका जो लीड है वो थोड़ा घिस लेना किसी भी ऑब्जेक्ट से। और मेन चीज़ जो चाहिए वो है फॉइल पेपर, एल्युमिनियम फॉइल पेपर चाहिए। तो पहले आपको एक पेंसिल लेना है जिस पेंसिल से आप एस्पेन बनाओगे, तो उस पेंसिल को फॉइल पेपर के ऊपर रखना है। आपको मेक श्योर करना है कि दो साइड होते हैं फॉइल पेपर के, एक ये साइड और एक चमकता हुआ साइड, जो साइड बहुत चमकता है। तो हम लोग को ये साइड चाहिए, तो हम लोग पेंसिल को रखेंगे इस साइड में। रखने के बाद हम लोग एक कोना चूज कर लेंगे, और मुझे इतना था पेंसिल जो है वो कवर चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक मार्क बना लेता हूँ और यहाँ पर एक मार्क बना लेता हूँ। तो आपको एक रेक्टेंगल काट लेना है, तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल काट लेता हूँ एक। वो जो रेक्टेंगल का साइज है वो आपके पेंसिल के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना बड़ा पेंसिल से बनाते हो। मुझे इतना बड़ा पेंसिल से बनाना नहीं है, क्योंकि जो मैक्सिमम एस्पेन होता है वो छोटा साइज का ही होता है। और उसका ये और एक रीज़न है कि वो जो मोबाइल में है वो उसमें फिट हो जाता है, और मेन रीज़न होता है कि वो हाथ में अच्छे से ग्रिप लेते हैं, क्योंकि आप जब बड़ा पेन यूज़ करते हो तो वो बहुत हैवी हो जाता है और छोटा पेन थोड़ा लाइट होता है। तो आपको पेंसिल लेना है, फिर पेंसिल लेने के बाद आपको यहाँ पर एक रखना है बस पेंसिल को, और एक पेंसिल से मार्क कर देना है ऐसे। फिर आपको एक टी शेप में काटना है इसको। हम लोग का चैनल का स्टार्टिंग लेटर भी टी है, और इसको भी टी शेप में काटना है। तो ऐसे करके सीजर को आप इस साइड से चलाओ पहले, तो आपको ऐसे ऐसे काट लेना है। मैं दिखा देता हूँ कैसे काटना है आपको। तो मैंने काट लिया, और इस साइड भी काट लेता हूँ। तो काटने के बाद आपको जो अपना जो पेंसिल है उसको इसमें रैप कर देना है कुछ ऐसे। और ये जो फॉइल पेपर है इसको आपको ऐसे कर देना है, आपका एस्पेन रेडी है। हाँ, ये फॉइल पेपर थोड़ा निकला हुआ रहेगा। और मैं पहले आपको बता दूं कि जो टच स्क्रीन है वो काम कैसे करता है। तो गाइस हम लोग के हाथ में चार्जर्स होते हैं, और जो टच स्क्रीन के स्क्रीन जो है उसमें एटम्स होते हैं, और जब ये चार्ज और एटम्स जब रिएक्ट करते हैं तभी टच स्क्रीन काम करते हैं। तो हम लोग के हाथ के जगह में आप बैटरी से भी चला सकते हो, क्योंकि बैटरी में भी सेम काइंड ऑफ चार्जेस होते हैं, और वो चार्ज जब एटम के साथ रिएक्ट करता है तो टच स्क्रीन काम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फॉइल पेपर है वो हम लोग के उंगली से जो चार्ज है वो कंडक्ट करके स्क्रीन में लेके जाएगा। तो उसके लिए जो चार्ज है और एटम है वो रिएक्ट करेगा और आपका स्क्रीन काम करेगा। तो गाइस चलो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ स्क्रीन का। तो गाइस चलो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ एस्पेन का। तो ये रहा है एस्पेन, तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। तो मैं मोबाइल में चलाता हूँ, एक सेकेंड उठा लो उधर ऊपर। हाँ, तो मैं आपको एक ड्राइंग करके दिखाता हूँ। अब देख सकते हो कितना स्मूथली काम कर रहा है। स्क्रीन के अंदर नहीं हुआ, चलो मैं कोई बात नहीं, मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ क्या मैं ड्राइंग किया। तो गाइस नीचे ना एक ऐसा ही लाल कलर का बटन है, तो उसको जल्दी से जल्दी दबा के ये जो ग्रे कलर है ये ग्रे कलर का कर दो, ठीक है। ऐसा ग्रे कलर का हो जाएगा दबाने के बाद, तो ऐसा कर दो। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसा ही एक वीडियो लाते रहता हूँ।